नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर चलते चलते चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों आज हम आए हैं श्री जीवन डेयरी। दर्शन भाई को हर कोई जानता है, देसी गाय के साथ काम करते हैं और पूरे भारत भर में शायद ही कोई ऐसी स्टेट होगी जहां पे इन्होंने गाय ना भेजी हो। पूरे भारत भर में उत्तर भारत से जो दुधारू नस्लें होती हैं वो पूरे भारत भर में भेजते हैं। ये जैसा कि साउथ इंडिया में जो वहाँ की देसी नस्ल है, मैं तो खैर किसानों को कहता हूँ कि वो अपनी लोकल ब्रीड पे काम करें, लेकिन कभी कभी उनकी इच्छा होती है कि वो ज़्यादा दूध वाली गायें रखें, क्योंकि साउथ इंडिया में 3 किलो 2 किलो 4 किलो से ऊपर दूध बहुत मुश्किल है। नॉर्थ इंडिया में हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ की जो गायें ज़्यादा दूध देती हैं, गुजरात भी इसमें शामिल है, तो यहाँ की गायें ज़्यादा दूध देती हैं। तो साउथ इंडियन की इच्छा रहती है कि वो उत्तर भारत से गायें लेकर आएं। तो दर्शन भाई यहाँ पर जो संरक्षण कर रहे हैं गायों का, और जो किसान दूसरी स्टेट्स में जिनको कम जिनको अच्छी दूध वाली गायें चाहिए, तो वो इनसे संपर्क करते हैं और उनको ये अवेलेबल करा देते हैं। आप देख सकते हैं कोई साहिवाल नस्ल की है, कोई राठी नस्ल की है, कोई थरपारकर है, कोई हरियाणा है, कोई रेड सिंधी है, तो हर तरह की वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है, मौजूद है। मिल्किंग को लेकर कोई 5-6 किलो से लेकर 7-8 किलो से लेकर 15-17 लीटर तक की भी गायें हमें इनके फार्म पे देखने को मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं ब्यूटी के लिहाज से भी एक दो गायें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और कुछ गायें मिल्किंग के लिए यहाँ पे। बाकी दर्शन भाई से अधिक जानकारी लेंगे हम। सरस्वती दर्शन भाई नमस्कार। राम राम जी, कैसे हैं भाई? बस दया जी। और इधर से निकल रहा था, सोचा कि फाजिल्का जा रहा था, मगर दर्शन भाई से मिल के चलते हैं। धन्यवाद साहब। और बताइए क्या अभी कौन सी ब्रीड है अपने पास, और क्या जैसे अभी तो एक नंदी भी आप नया ले आए हैं, ये ब्रीडिंग बुल राठी का ब्रीडिंग बुल आप ले आए हैं, बड़ा शानदार है। तो कुछ बताइए जो अभी हमारे पास गायें हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस किस तरह की किस किस करेक्टर की गायें हैं, किस किस लेवल की गायें हैं। राम राम दोस्तों, मैं दर्शन, श्री जीवन डेयरी फार्म, मंडी डब्बाले, सिरसा, हरियाणा से। वैसे एमबीए ग्रेजुएट हूँ, मगर एमबीए करने के बाद गौ सेवा के, गौ संवर्धन के कार्य में लगा हूँ पिछले 3.5 साल से। तो मैंने पिछले 3 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला है, कुछ गलतियाँ भी होती है, मगर जो अनुभव नौकरी करने में नहीं मिलता वो मैं यहाँ गौ संरक्षण और संवर्धन करने में और अपनी इनकम भी जनरेट करने में बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। लोग कहते हैं पैसे सब कुछ है, मैं पैसा भी कमा रहा हूँ यहाँ पे, और साथ में मैं पिछले 4 साल से अपने पास अच्छा गोबंधन भी अपने पास प्राप्त कर लिया मैंने। मैं अभी राठी, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा, इन 4 नस्लों पे वर्किंग कर रहा हूँ संवर्धन के हेतु। और अपने संवर्धन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है नंदी। एक नंदी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण अपने फार्म पे लिए मायने रखता है, क्योंकि आपके पास अगर एक अच्छा नस्ल का नंदी है तो आप भविष्य में आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं दूध नहीं देगी, अगर अच्छा नंदी है तो आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं खुद अपने नंदी पिछले 3.5 साल पहले कुछ खरीदे थे, अच्छे पैसे लगते हैं नंदियों के। लोग कहते हैं कि नंदी बाज़ारों में घूमते हैं, वो इसलिए घूमते हैं कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, उनका संवर्धन करने वाला नहीं है। अब बहुत से आश्रम हैं, उनमें से एक नूर मेला आश्रम भी है, वहाँ लोग नंदी खरीदते हैं, लाइन में लग के खरीदते हैं और मुँह मांगी कीमत उनको देते हैं। कीमत का मतलब ये नहीं कि वो कॉस्टली है, जब आप एक नंदी का खान पान का पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो उसके हिसाब से वो बहुत कम होता है, क्योंकि आप ब्रीडिंग करने के लिए बहुत आपको टाइम खर्च करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ, डेयरी फार्मिंग भी कर रहा हूँ प्लस ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ, और अपने 4 नस्ल के नंदी मैं मोस्टली 90% नंदी से ही मेटिंग कराता हूँ। सीमेन रखते हैं बस, कुछ 10% गायों को रखते हैं, नहीं तो नंदी, अगर आप पास 10-15 गायें हैं तो आप नंदी अवश्य रखें, क्योंकि इसमें आपको आगे रिपीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, गाय खराब नहीं होगी, प्रेगनेंसी ट्यूब है वो खराब नहीं होगी। सबसे मेन दिक्कत ये होती है, कुछ साहिवाल राठी में आती है प्रॉब्लम है जो रिपीट हो जाती है, उसका कारण एक ये भी है कि सीमन की वजह से या अच्छे डॉक्टर को ना मिल पाने की वजह से वो गाय बार बार रिपीट में आने शुरू हो जाती है। उसके जो है
बच्चेदानी में समस्या आ जाती है, बच्चेदानी समस्या होती है, क्योंकि जो एक एक्सपर्ट डॉक्टर है वही उसकी जो प्रेगनेंसी ट्यूब है उसमें वो बच्चा रख सकता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर हिल गया तो खराब हो जाते हैं फिर वो गाय, तो किसान का पूरा लॉस हो जाता है। इसलिए नंदी या डायरेक्ट मैटिंग करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी नेचुरल तरीके से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास फिर भी ऑप्शन नहीं है तो आप अच्छे डॉक्टर से आप सीमन रखिए, आपको बहुत अच्छे सुंदर बच्चे मिलते हैं सीमन से। अच्छा, आपने तो पूरे भारत में आपने गायें भेजी हैं, पूरे भारत में हर स्टेट में भेजी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जो उत्तर भारत की कौन सी ऐसी गायें हैं जो पूरे भारत में जाके हर स्टेट में जाके सेट हो जाती है बहुत बढ़िया से? मेन तो राठी है, राठी में हमको कंप्लेंट बहुत कम मिलती है। अच्छा, किसान पहले बार में संतुष्ट नहीं होता, मगर जो एक साल के बाद मेरे पास अभी 70% कस्टमर जो फार्मर वो ऐसे हैं जो 1.5-2 साल के बाद मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि दर्शन भैया अभी गाय ने परफॉर्मिंग करना शुरू किया है। अच्छा। खासकर राठी मैं सभी देता हूँ, वैसे तो राठी, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा, मगर राठी और साहिवाल थारपारकर तीनों डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं, मतलब दूध के लिए अगर आप दूध का काम करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनसे। तो राठी का परफॉर्मेंस ज्यादा सैटिस्फेक्शन ज्यादा आया, तीनों ही अच्छी वो जल्दी सेट हो जाती है, तीनों ही अच्छी है, मगर राठी का थोड़ा हम रैंकिंग दे तो मैं राठी को थोड़ा सा प्रीफर करता हूँ। वैसे मैं चारों नस्ल पे मैंने रखी हुई अपने फार्म पे भी, मगर फिर भी राठी एक रैंक पे लेके चलते हैं उसको। हाँ, एक नॉर्मल राठी जो 10 से 12 लीटर वाली है वो कितने में मिल जाती है लगभग? वैसे फार्मर से लेते हैं 30-35-40 हज़ार के रेंज से मिल जाती है। अच्छा, 30-35-40 में? वो तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे, उसका रिकॉर्ड क्या है, दूध क्या है, वो सब के ऊपर देखना पड़ता है उसके हिसाब से। मैंने तो सुना है कि जो गांव में 15-20 हज़ार रुपये मिल जाती है। भाई सब क्वालिटी की बात होती है। हाँ, अब क्वालिटी कोई बेचारी बुजुर्ग हो रखी हो गाय उसको लेंगे या कुछ लात मारती हो। हाँ, क्योंकि अब अच्छे चीज लेंगे तो अच्छे पैसे देंगे। हाँ, कोई फार्मर ऐसा नहीं है कि भाई दूध का बाल्टी भरती है और वो सस्ते रेट में देता हो, ऐसा बहुत कम होता है। सही बात है। थोड़ा थोड़ा अपनी इन गायों के बारे में बताइए दर्शन भाई। ये अपनी शांति सुंदरी, इसका नाम है, जो अच्छा। पिछले देहरादून पिछले साल लगा था उसमें काफ में ये फर्स्ट रैंक इसको आया था। अच्छा, देहरादून में इसका फर्स्ट रैंक आया था। फर्स्ट रैंक इसका आया था जी। इसको बच्चे पढ़िए, ये वाली का अभी ये 14 महीने की हो गई है। अच्छा, इसकी माँ का भी अच्छा रिकॉर्ड था, हालांकि इसकी माँ फिर सेल कर दी थी हमने। अच्छा, ये आपके घर पे ही है? हाँ, ये अपने घर पे जन्मी हुई है। काफी सुंदर है, बहुत बढ़िया है। अभी 14 महीने की है, लोग कहते हैं कि ग्रोथ नहीं होती बच्चियों की। हाँ, अभी आप देख सकते हैं इन गायों के बराबर इसकी हाइट गई हुई है। हाँ, इसको मैंने हमेशा 3 थन तो दूध पिलाया पिलाया जब तक इसकी माँ ने दूध दिया। ये खरने पे डिपेंड करता है। हाँ, खरने पे डिपेंड करता है और बुल पे डिपेंड करता है। बुल पे, अगर आप दूध पिलाओगे बच्चे को अच्छा सा तो वो आपको कभी भी नाराज नहीं करेगी, फर्स्ट लैक्टेशन में 12-13 लीटर दूध आराम से दे देगी। अभी मेरे पास ज्यादातर बच्चे ही हैं, मैंने 10-15 बच्चियां रखी हुई है जिनकी माँ मैंने कुछ की सेल कर दी है, मगर बच्चियों को अच्छा दूध पिलाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देगी वो। और आपके सामने जितनी बच्चियां रखी है अपने घर पे ही है ये। इसका गल कंबल देखिए आप, सुंदरी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये अपने दुधारू है अभी, ये भी 15 लीटर दूध दे रही है। अभी 15 लीटर दे रही है, बहुत बढ़िया। ये अपने मिन्नू है, ये भी देहरादून पिछले साल चैंपियन होकर निकली थी मिल्क टेस्ट में, अभी ये 2 दांत हो गई है और प्रेग्नेंट भी हो रखी है। ये थारपारकर, ये प्योर ओरिजिनल थारपारकर है 100%, इतनी प्योर मैंने देखी नहीं अपनी जिंदगी में। बहुत ही शांत स्वभाव की है, क्योंकि इनको आप इसका फेस हेड देखिएगा एकदम से बिल्कुल देखो फ्लैट, ऐसा बहुत कम गाय को मिलता है या सूर्य फार्म को मिलेगा। कोई पोल नहीं है किसी तरह का, कोई पोल नहीं, एकदम फ्लैट मत्था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गाय है, सुंदर। ये शांति है, ये अपने घर की बच्ची है, ये मात्र 2.5 साल में बच्चा दे देगी। मेरे पास जितनी बछड़ियां हैं वो 30 महीने के अंदर अंदर बच्चा दे देगी पहले बार में। अच्छा, अभी अपने पास 10 बछड़ियां बच्चा देने वाली है अगले 2 महीने के अंदर। और मोस्टली मेरे अपने बुल से उनको ज्ञापन किया हुआ है, राठी है, हरियाणा है, साहिवाला, थारपारकर, चारों नस्ल लोग बच्चा देने वाली है। अभी 2.5 साल में बच्चा दे देगी। इसकी माँ हरियाणा है और ये भी हरियाणा है, थोड़ा सा इसमें थारपारकर ब्लीडिंग आ रखा है। अभी ये प्रेग्नेंट है 6 महीने करीब, ये देखिए इसकी माँ भी अपने पास अंदर ही है। और ये अपने राठी बुल है,
अभी कुछ दिन पहले इसको खरीदा था, इसके बच्चे हालांकि अपने पास है। ये इसका क्या कुछ रिकॉर्ड वगैरह है? भाई साहब फार्मर से अपन चेकिंग करके पिछले 2 साल से इसको देख रहा था मैं। अच्छा, तो मुश्किल से फिर आपको लिया। इसका टेस्टिकल देखिए आप, मेन ये देखिए, इसकी बच्ची आएगी कम से कम 14-15 लीटर दूध फर्स्ट लैक्टेशन में निकालेगी, क्योंकि इसका मेन होता है टेस्टिकल। टेस्टिकल की जो चमड़ी होती है वो मेन इंपोर्टेंट होती है, आप देख भी सकते हैं पीछे से जो ये स्किन होती है ना। हाँ, ये वाली ये स्किन देखिए जो पीछे लटकी हुई है केले की जैसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी बहुत ही कम रेयर बुलों को मिलेगी आपको देखने के लिए। राठी बुल और भी अपने पास, मगर इसका कुछ अलग ही डिजाइन है, प्योर करेक्टर है इसके। ये बछड़ा है, ये भी अच्छा है। और कुछ अपने पास राठी बच्चियां हैं, ये ब्रीडिंग के लिए रखी हुई है। इसका नाम खुशी है और ये प्यारी है। ये खुशी है, ये प्यारी, ये प्यारी है। इसका नाम प्यारी है। अच्छा, ये सेल पे नहीं है, ये अपने फार्म पे रखे हैं। जब अपने पास कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा तब कुछ सेल के लिए देखेंगे। प्यारी अच्छी है, दोनों बछड़ियाँ इसकी माँ 18-19 लीटर दूध की है। राठी अपने पास ही है। अच्छा, हाँ जी, ये देखिए में है ये गाय। ये अपने दिल्ली से ली थी, अपने तोमर साहब से थे। अच्छा, उनसे ली थी, 20-22 लीटर दूध इसने दिया था। अच्छा, ये रिपीट क्या है, सिमर रखते हैं ना, वो शहरों में बुल अवेलेबल नहीं होता। हाँ, तो ये रिपीट होने लगी थी, तो अच्छा, उन्होंने फिर बोला कि ये खराब हो सकती है मेरे पास, तो फिर अपने अभी बुल से क्रॉसिंग कराई है। अभी देखते हैं इसको क्या रिजल्ट आता है। 20-22 लीटर दूध इसने निकाला था, करेक्टर देख सकते हैं आप इसको, बहुत ही नहीं। गाय तो गाय अच्छी है, बस वही प्रॉब्लम आ रही है कि रिपीटेशन की प्रॉब्लम आ रही होगी, और ज्यादा बार बार एआई कराने से ये समस्या आ जाती है। इसलिए बुल से मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, अगर ऑप्शन नहीं है फिर नेचुरल सीमन में जाते हैं। चलो, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने दर्शन भाई, और जो आप प्रयास कर रहे हो वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। पूरे भारत भर में आप देसी गाय भेज रहे हो किसानों के जरूरत के अनुसार। अच्छा दर्शन भाई, कुछ प्रॉब्लम भी आई हैं आपको, क्योंकि पीछे कुछ बैड एक्सपीरियंस भी रहा होगा आपका, कई भी सुनने में आ जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेन दिक्कत तो जी बाहर लेके जाते हैं फार्मर्स, उनको कुछ गोरक्षक तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि गोरक्षा करने वाला कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा भी कि गायें की किसान की गायों कहीं पकड़े जाए या कहीं गौशाला में जाए, क्योंकि जो स्लटर हाउस में जाती है, जो बूचर खाने में लोग लेके जाते हैं, वो अलग ही तरीके से लेके जाते हैं। मगर जो हम लोग गायें भेजते हैं वो एक गाड़ी में 6-7 डालते हैं, उसका परमिट लेते हैं हरियाणा सरकार से, उसके बाद हम लोग लेके जाते हैं, तो इसलिए हमको समस्या बहुत कम आती है। अच्छा, कुछ आती है तो फिर कुछ बात करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि कुछ लोग गोरक्षकों को बदनाम भी करते हैं, कुछ कहते हैं कि गलत आदमी की वजह से सही आदमी भी बदनाम हो जाता है। गोरक्षक कभी भी नहीं चाहेगा, उसका मकसद है कि गाय को बचाना। अगर गाय किसान के घर में है तभी गाय सुरक्षित है, किसी गौशाला में या कहीं रोड पे घूम रहे वो किसी नहीं घूम रही है। उसका कारण ये है कि वो किसान के घर से बाहर हो गई है, किसान का सोर्स है दूध। लोग कहते हैं पंचगव्य वो बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं, मगर किसान दूध सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब गाय दूध नहीं देगी फिर किसान उसको छोड़ देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दर्शन भाई, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, एक और किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।